नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे विशेष पुण्य काल क्या होता है और मुहूर्त में इसका क्या महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, विशेष पुण्य काल क्या होता है और मुहूर्त में इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो पुण्य काल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो मैंने वीडियो संक्रांति के ऊपर बनाई है और पुण्य काल के विशेष नियम, इनके ऊपर अपनी वीडियो बनाई है, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है। तो मैं पुण्य काल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो दोस्तों इसे संक्रांति कहते हैं। तो जब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति से 16 घटी पहले का समय और संक्रांति से 16 घटी बाद का समय पुण्य काल कहलाता है। 16 घटी होती है दोस्तों 6 घंटे 24 मिनट के बराबर। तो ये जो 6 घंटे 24 मिनट का समय है, पहले का समय संक्रांति से और बाद का समय संक्रांति से, तो ये जो समय है इसे पुण्यकाल कहते हैं। और ये जो समय है दोस्तों, ये अशुभ होता है, अशुभ समय होता है और इसे सभी कार्यों में त्यागा जाता है। पुण्यकाल का जो समय है दोस्तों, ये अशुभ माना जाता है, इसे सभी सांसारिक कार्यों को शुरू करने के लिए त्यागना चाहिए। मतलब इस समय पर कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। पुण्यकाल के समय पर दोस्तों विशेष रूप से दान, प्रार्थना, हवन और धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उनके लिए शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विशेष पुण्यकाल के बारे में। जब सूर्य वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों में प्रवेश करता है तो दोस्तों पुण्यकाल संक्रांति से पूर्व 16 घटी तक होता है। जब सूर्य मेष और तुला राशियों में प्रवेश करता है तो पुण्यकाल संक्रांति से 8 घटी पूर्व प्रारंभ होकर 8 घटी बाद तक होता है। और दोस्तों, जब सूर्य मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन राशियों में प्रवेश करता है तो पुण्यकाल संक्रांति से 16 घटी बाद तक होता है। अब ये नियम कब लागू होता है दोस्तों? तो ये नियम दोस्तों तब लागू होता है जब संक्रांति दिन के समय होती है। तो ये दोस्तों विशेष पुण्य काल का समय होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।